हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। समय हो चुका है रात के 8 बजे, और डेली रात के 8 बजे लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए कंप्लीट मैथ का स्पेशल बैच, जिसमें सेकंड क्लास है आज आपकी टाइम एंड बार की। ठीक है, इसमें आप फर्स्ट क्लास में कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख सकता है। और आज है सेकेंड क्लास अपनी, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। 56 वर्कर कैन फिनिश अ वर्क इन 14 डेज। ठीक है, और अपन को अब दिया है कि इफ़ द वर्कर इज कम्प्लीटेड इन 8 डेज, देन हाउ मैनी एक्स्ट्रा वर्कर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो क्या करेंगे, वर्कर की संख्या मान ली अपन ने एक्स, एफिशिएंसी डब्लू, और डेज दिए अपन को 8। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन अपना खत्म हो गया। ये क्वेश्चन अकेले लिखने की देर रहती, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया, ये कट गया 8 से 7 टाइम्स में, और यहाँ से आ गया अपने पास कितना 7 14 7 था 98। ठीक है, अब इनिशियली वर्कर कितने थे, इनिशियली 56 वर्कर थे, क्योंकि अपन से पूछा कितने एक्स्ट्रा वर्कर चाहिए, ये कितना आ गया 42। अपन को 42 एक्स्ट्रा वर्कर चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत। नंबर 27 है आपके सामने, इसमें बोल रहा है कि 9 वुमेन है कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 90 डेज। हाउ मैनी डेज 18 वुमेन विल टेक द टू कम्प्लीट द वर्क। तो ये देखिए, ये तो अपन डायरेक्टली देख सकते हैं कि 9 औरतों को टाइम लग रहे हैं 19 दिन, तो 18 औरतों की संख्या दुगनी कर दी तो टाइम कितने हो जाएंगे, 19/2। ठीक है, डायरेक्टली बता सकते हैं अपन 9/5 आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे वो और देख लेते हैं। देखिए, 9 वुमेन को टाइम लग रहा है 19 डेज इज इक्वल टू 18 वुमेन को टाइम लगेगा डी। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 9 से कट गया 18 2 टाइम्स में, और ये आ गया डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया अपना 19/2 इक्वल्स टू डेज, यही अपन ने डायरेक्टली बताया था। इसको काट देते हैं 2 9 जाए 18 और 0.5। ठीक है, है आपके सामने ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। मतलब ए 9 डेज में कम्प्लीट कर सकता है, और बी कम्प्लीट कर सकता है 15 डेज में, बी अपना कंप्लीट कर सकता है 15 डेज में। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 45, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5, इसकी आ जाएगी 3। अब क्वेश्चन अपन से को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अपन से कि इफ़ दे वर्क फॉर आ डे अल्टरनेटिवली, मतलब वो एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं। ठीक है, और स्टार्ट किसने किया, ए ने, तो वो काम कितने दिन में कम्प्लीट कर देंगे। तो देखिए, ए स्टार्ट करेगा 5 दिन काम करेगा, उसके बाद बी करेगा 3 यूनिट काम करेगा, तो इन्होंने 2 दिन में कितना काम कर लिया, 8 यूनिट। तो ये 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, मतलब ये 2 दिन, तो 10 दिन में ये कितना काम कर चुके होंगे, 40 यूनिट काम कर चुके होंगे। 10 दिन में 40 यूनिट काम इनने कर दिया, बचा कितना, 5 यूनिट। ये 5 यूनिट कौन करेगा, ए कर देगा, मतलब 11th डे काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये बात किसको समझ में आई, सबको समझ में आ गई होगी। देखिए, पहले दिन 5 यूनिट करेगा, दूसरे दिन फिर बी करेगा 3 यूनिट, फिर तीसरे दिन बी 5 यूनिट करेगा, दूसरे चौथे दिन 3 करेगा, ऐसे ऐसे करके 5 दिन तो ये कंप्लीट पेयर बना लेंगे। लेकिन जब 5 5 दिन ये काम कर चुका हो, 5 दिन ये काम कर चुका हो, मतलब ये 10 दिन बीत गए अपने। ठीक है, 10 दिन में इन दोनों ने मिलकर कर दिया 40 यूनिट काम, अब बचा 5 यूनिट काम जो ए अकेला ही कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो 11 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन डू अ जॉब। ए और बी हैं दो ही कोई बंदे, ए 16 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में किसी काम कर सकता है। पहले अपन इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, ए 16 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है ये 12 दिन में। ठीक है, अब क्या, इसका टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा, 48, ये हो जाएगा 3 और इसका आ जाएगा 4, ये इन दोनों क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन में आ गए, क्या बोल रहा है, बी हैज स्टार्टेड वर्क अलोन, बी ने अकेले काम स्टार्ट कर दिया, और 4 डेज बिफोर फिनिशिंग द जॉब ए जॉइंस टू बी, मतलब काम ख़त्म होने के 4 दिन पहले ए ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो अपन को बताना है हाउ मैनी डेज बी वर्क अलोन, बी ने अकेले कितने दिन काम किया। तो देखिए, अपन पीछे से स्टार्ट करते हैं, अपन ने क्या किया, पीछे से स्टार्ट कि 4 दिन तो इन दोनों ने साथ काम किया, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा दोनों की साथ एफिशिएंसी के साथ, 7 एफिशिएंसी के साथ 4 दिन काम किया इनने, तो कितना काम कर दिया इनने, 28 काम
लास्ट के 4 दिनों में किया होगा, मतलब उससे पहले भी काम कर रहा था। बी ने कितना काम कर चुका होगा, काम खत्म होने के 4 दिन पहले 20 काम कर चुका है, जब भी तो ये आके आखिरी 4 दिन में इन्होंने 28 काम किया। ये बात सबको समझ में आई। अब क्या हुआ, इस क्वेश्चन खत्म हो गया अपना, अपन को 20 काम करवाना है। 20 से कित 4 की एफिशिएंसी कितने दिन लगाएगा, 5 दिन। मतलब पहले बी ने 5 दिन काम किया था, उसके बाद ए आया था, तो दोनों ने मिल के 28 काम किया था 4 दिन में, तो अपना आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, मतलब ए कोई काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, अपना बी भाई है, बी काम को कर सकता है 30 दिन में, मतलब बी अपना आलसी है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ठीक है, ए की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 60/20, जो कि अपना कितना होता है 3, और यहाँ से 30/60/30 करेंगे, ये आ जाएगा अपना 2। ठीक है, अब अपन से बोला है इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी टुगेदर डू द वर्क, तो टुगेदर काम करेंगे तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3+2, 3+2 कितनी 5, 5 की एफिशिएंसी से टोटल काम कितना है 60, टोटल काम 60 करना है, 60/5 कितने आ जाएंगे 12 डेज, मतलब ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो उन्हें कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या बोल रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डे, मतलब ए कोई काम को 25 दिन में कर सकता है, बी के बी 20 दिन में कर सकता है, बी भाई अपना कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, मतलब इसमें आलसी कौन है, आलसी ए है। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या जाएगा, ये 5 5 जा 25 होता है, 5 4 जा 20 होता है, ये अपना एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 4 जा 100, है ना। यहाँ से कितना आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, है ना, 25 कट जाएगा ये 4 बचेगा, इधर से 20 कट जाएगा ये 5 बचेगा, इनकी एफिशिएंसी दोनों की आ गई 4 और 5। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 4 आ गई, बी की 5। अब क्वेश्चन में अपन से आगे क्या बोल रहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। ठीक है, और उसके बाद ए चला गया। ठीक है, पहले अपन देख लेते हैं दोनों ने 5 5 दिन में कितना काम किया होगा। दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो 5+4 की एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, कितने दिन तक काम किया है ना, 5 डेज तक, तो कितना हो जाएगा 9 × 45, इनने 45 काम कर दिया है, टोटल काम कितना है, टोटल काम 100 है। अगर टोटल काम 100 है, 45 काम दोनों ने साथ में कर दिया, तो बचा कितना काम, 55 काम। अब अपन से बोला है कि इन हाउ मैनी डेज बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, मतलब ये जो बचा हुआ काम है इसको कौन कर रहा है, बी कर रहा है। बी की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी है 5, 5 की एफिशिएंसी से 55 काम कितने दिन में कर देगा, 11 दिन में कर देगा। ठीक है, आसान सी बात है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें क्या बोल रहा है अपन से कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ए कोई काम को 20 दिन में कर सकता है, एंड बिच बी कैन डू इन 12 डेज, और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा, 4 3 12 होते हैं, और 4 5 20 होते हैं, तो ये आ गया अपने एलसीएम। ठीक है, यहाँ से 4 5 20 बचा 3, और 4 3 12 बचा 5। ठीक है, ये कितना हुआ, 4 3 12 5 60, 60 अपना एलसीएम आ गया, है ना। अब अपन से क्या बोला है क्वेश्चन में, अब अपन से क्वेश्चन में बोला है कि बी वर्क एट फॉर 9 डेज, बी ने कितने दिन तक काम किया, 9 दिन तक, तो 9 दिन में बी ने कितना काम कर दिया होगा, 5 की एफिशिएंसी से 5 × 9 कितना काम कर दिया हो, 45 काम, टोटल काम 60 है, मतलब 15 काम और बचा, 15 काम और बचा। अब ये 15 काम किसने किया, ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, ए ने किया भैया, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, 3 की एफिशिएंसी से 15 काम करना है, कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें क्या बोल रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, अपना ए बालक है वो कितने दिन में काम कर सकता है भैया, 10 दिन में, और बी अकेला काम कर सकता है 15 दिन में, बी थोड़ा सा आलसी है जो काम को कर सकता है भैया 15 दिन में। यहाँ से अपन एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा कितना 30, 10 3 जा 30, और 15 2 जा 30। ठीक है, ये तो अपना एलसीएम आ गया, ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, उनने क्या किया, दोनों ने 5 दिन तक काम किया। ठीक है, और उसके बाद जो रेस्ट वर्क बचा वो सी ने कर दिया 2 दिन में। ठीक है, अब अपन को ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ़ दे गेट
₹450 फॉर होल द पार्क, हाउ रुपीज डिवाइडेड, मतलब सबको कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए 30 काम के कितने मिल रहे हैं, 450 रुपये। ठीक है, यहाँ से एक काम के कितने मिलेंगे, ये कट जाएगा 15 टाइम्स, एक काम के मिल रहे हैं भैया 15 रुपये। कोई व्यक्ति अगर एक काम करेगा तो उसको 15 रुपये मिलेंगे। अब ये तीन की एफिशिएंसी से, ए ने 15 दिन में कितना काम किया हो, ये 5 दिन में कितना काम किया हो, तीन की एफिशिएंसी से ए ने 5 दिन में 5 दिए 15 काम कर लिया होगा। ठीक है, दो की एफिशिएंसी से 5 दिन में बी ने कितना काम किया हुआ, तो दो की एफिशिएंसी से 5 दिन में बी ने 10 काम कर लिया हो। इन दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया, 25 काम कर लिया। 25 काम कर लिया तो सी को बचा हुआ काम 5 काम किया होगा। सी ने, सी ने 5 काम किया होगा, टोटल काम तो अपने पास 30 ही है ना। इसने 15 कर लिया, इसने 10 कर लिया, तो इसने 5 किया। अब अपन इनके पैसे बांट लेते हैं। एक काम पे मिल रहे हैं भैया 15 रुपये, एक काम पे अगर 15 रुपये मिल रहे हैं तो 5 काम पे कितने मिलेंगे, 5 × 15 जो कितने होते हैं 75। ठीक है, 75 में से तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो अपन डायरेक्ट इसको ही आंसर मार्क करेंगे, दो और नहीं निकालेंगे, लेकिन फिर भी अपन निकाल देते हैं क्योंकि अपन सीख रहे हैं अभी। ठीक है, अच्छा 10 काम के कितने मिलेंगे, 10 × 15 ये कितने हुआ है 150। 150 दो ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये 15 काम के कितने रुपए मिलेंगे, 15 × 15, 15 × 15 कितना होता है 225, वो भी इसी ऑप्शन में, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सी बात थी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें क्या बोल रहा है कि ए कैन डू अ सम वर्क इन 24 डेज। अपना ए भाई है जो, वो किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी है अपने पास, बी काम को कर सकता है कितने दिन में, 32 दिन में, और सी कर सकता है किसी काम को 60 दिन में। तो सबसे पहली बात तो इनका एलसीएम निकालना है अपन को, एलसीएम निकालना लग रहा होगा सबको डिफिकल्ट, तो यहाँ से निकालते हैं अपन। 8 3 जा होते हैं 24, ठीक है, और 8 4 जा होते हैं 32, सो 8 4 जा 32 हुआ। ठीक है, और ये होते हैं 12 × 5, 12 5 जा 60 होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपना एलसीएम। अब अपन इनके निकाल लेते हैं क्या एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कैसे निकलेगी डिवाइड करके, ये आ जाएगा 20, इधर से आ जाएगा 15, और इधर से आ जाएगा ये पूरा 60 हो गया, बचा 8, इधर से आ गया अपने पास 8, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब अपन से क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, उन्होंने पहले तो तीनों ने साथ में काम स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर 6 डेज ए लेफ्ट हो गया। ठीक है, मतलब 6 दिन तक तो तीनों ने साथ काम किया, तीनों की टोटल एफिशिएंसी अपन निकालें तो 20 और 15 35 और 8 43, 43 की एफिशिएंसी से तीनों ने 6 दिन तक काम किया, तो 6 दिन में इनने कितना काम कर लिया वो निकाल लेते हैं अपन। ये 6 3 18 8 कैरी 1, 6 4 24 और 1 25, 258 काम कर लिया इनने 6 दिन में, 6 डेज में तीनों ने साथ में मिलकर। अब अपना ए वाई निकल गया, और ये बोल रहा है कि बी लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 8 डेज, मतलब बी ने 6 दिन यहाँ पे काम किया ही है, 2 दिन और काम किया, मतलब सी और बी ने 2 दिन साथ में क्या काम किया, कितनी की एफिशिएंसी से, सी और बी की एफिशिएंसी अगर अपन देखें 23, 23 की एफिशिएंसी से इन्होंने 2 दिन काम और किया, तो कितना काम कर दिया वो उन्होंने 2 दिन में, ये हो जाएगा 6 4, 46 काम ये 2 दिन में हुआ, मतलब 6 और 2 8 डेज हो चुके। अब अपने पास रिमेनिंग काम बचा, रिमेनिंग काम निकालते हैं कैसे निकलेगा, रिमेनिंग काम यहाँ से निकलेगा, पहले तो अपन टोटल वर्क निकालें, तो जाएगा 4 5 20 30 60 और 60 3 480। ठीक है, 480 में से 258 काम 6 दिन में हो चुका है, 258 इसको माइनस कर लेते हैं, इसको अपन माइनस करेंगे, ये बचेगा 2, इधर से बचेगा 2 और इधर से बचेगा 2, ठीक है 2 2 2। उसके बाद इसमें 46 काम जो 2 दिन में हुआ है उसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है ये माइनस करा, ये माइनस करा, तो 12 में से 6 गए 6 बचे, 11 में से 4 गए 7 बचे, ये आ गया 176। अब बचा क्या है, 176 काम बचा है, वो करना किस भाई को, अपने अकेले सी भाई को करना है, क्योंकि ए निकल लिया बी भी निकल लिया, बचे कौन, सी, सी की एफिशिएंसी है 8, 8 की एफिशिएंसी करेगा 8 2 16, 8 2 16 कितने दिन और लग जाएंगे सी को, सी अपना ईमानदार व्यक्ति अकेला लगा रहेगा 22 दिन तक, और 22 दिन में वो काम को पूरा पूरा निपटा देगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा अपना 22 दिन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगले क्वेश्चन में क्या दिया, मयंक कैन डू 50% मोर वर्क देन शिशु, ठीक है, इन सेम टाइम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मयंक की एफिशिएंसी 3/2 है शिशु की एफिशिएंसी से, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या पता चल रहा है, मयंक और शिशु की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 3/2। तो इनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का अगर रेशियो की बात करूँ, टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाता है, पहली क्लास में ही आपको बताया, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब शिशु को लग रहा है कितने दिन, 30 दिन, तो मयंक को कितने दिन लगेंगे, मयंक को लगेंगे सिर्फ और सिर्फ 20 दिन, ठीक है। अब अपने पास आ गया क्या, क्वेश्चन बन गया अपना ये कि मयंक किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, मयंक 20 दिन में कर रहा है, शिशु कर रहा है 30 दिन में, ठीक है। टोटल एलसीएम आ जाएगा 60, ये 30 दिन में ना एलसीएम आ जाएगा 60। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ गई कितनी, इसकी 3 आ गई, इसकी 2 आ गई, जो कि इनिशियली अपन ने निकाला था 3:2, बस अपने पास टोटल वर्क नहीं था तो टोटल वर्क अपन ने निकाल लिया। अब अपन से क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि शिशु स्टार्ट वर्किंग एंड ही हैड ऑलरेडी वर्कड फॉर 12 आवर, उसने काम शुरू किया और उसने काम कर लिया 12 घंटे तक, तो 12 घंटे में शिशु ने कितना काम कर लिया होगा, 12 शिशु की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है शिशु की एफिशिएंसी, तो 12 घंटे में शिशु ने 2 की एफिशिएंसी कितना काम कर लिया होगा, 24 काम, ठीक है। टोटल काम है 60, 60 में 24 काम शिशु अकेले ने कर लिया, तो बचा कितना है, बचा 36 काम है, जो अब कौन करेंगे, जो अब करेंगे हाउ मैनी आवर्स शिशु एंड मयंक वर्क टुगेदर फॉर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब दोनों मिलकर करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी हो जाएगी, दोनों की एफिशिएंसी मिला के 5 हो जाएगी, 5 की एफिशिएंसी करेंगे, 5 7 जे 35, बचा 1 5 2 जे 10, तो आंसर आ जाएगा अपना 7.2, मतलब उनको 7.2 आवर्स और लगेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने, इसमें क्या बोल रहा है कि इन अ फोर्ट किसी किले में देयर वाज सफिशियंट फॉर फूड फॉर 200 सोल्जर फॉर 31 दिन, मतलब ये अपने पास टोटल काम मान लो अपन कि 200 आदमी 31 दिन तक किसी काम को करते हैं तो वो काम पूरा हो जाता है, ठीक है। अब अपन से ये बोला कि आफ्टर 27 डेज 120 सोल्जर आर लेफ्ट द फूड, मतलब 27 दिन तक 120 पूरे 200 सोल्जर ने काम किया, ठीक है, 27 दिन तक 200 सोल्जर ने काम किया और उसके बाद 120 छोड़ कर चले गए, 120 छोड़ कर चले गए तो बचे कितने, 80 सोल्जर, 80 सोल्जर कितने दिन में वो काम को कंप्लीट कर देंगे, काम कितना आएगा 200 × 31, यही अपन से पूछा, फॉर हाउ मैनी एक्स्ट्रा डेज विल द रेस्ट फूड, ये फूड दे के क्वेश्चन को थोड़ी सी घुमाने की कोशिश करिए, ठीक है। अपन को उस पर जाना ही नहीं, अपन को तो जो मेन काम है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 6200, ठीक है, इधर से जाएगा 80 × D एज इट इज़, और इधर से जाएगा 5400 प्लस, ये 5400 इधर से जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 800, और यहाँ पे आएगा 80 × D, ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गया और 8 × 10 = 80, मतलब D की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 10, तो वो बचा हुआ खाना बाकी 80 सोल्जर को 10 दिन और चलेगा, मैं से कितने दिन चलता, 3 दिन और चलता, लेकिन अब 10 दिन और चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें अपन से क्या बोल रहा है कि शंभू कैन डू हाफ ऑफ द वर्क इन 8 डेज, मतलब आधा काम वो अगर 8 दिन में कर रहा है तो शंभू पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 16 दिन में। ये बात सबको समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब बोल रहे हैं अपन से कालू कैन डू वर्क 1/3 ऑफ द वर्क इन 6 डेज, मतलब कालू एक तिहाई काम 6 दिन में कर रहा है, तो कालू को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, 6 × 3 = 18 डेज, ठीक है। अब अपन से बोला क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बोथ ऑफ देम टू फिनिश द वर्क, दोनों को मिलकर एक साथ करने में काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ से अपन एलसीएम लिखा लेते हैं, ये होता है 8 × 2 = 16 और 9 × 2 = 18, ठीक है, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा अपना 9 और 8, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब दोनों काम करना है कितना, ये पूरा काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144, ठीक है, और इधर से आ गया 17 की एफिशिएंसी से काम करना 144, कितने दिन लगेंगे, 144/17, कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज एंड 40 डेज,
ये ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है किसी काम को 40 दिन 40 डेज में कर सकता है। दोनों का एलसीएम निकालते हैं अपन, 8 9 8 5 जब 40 और 5 9 जब 45, यहाँ से आ जाएगा क्या 8 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 9। ठीक है, अब अपन से बोला कि दे बिगिन वर्किंग टुगेदर, उन्होंने साथ में काम स्टार्ट किया, बट ए लीव्स आफ्टर सम डेज, और लेकिन ए जो अपना भाई है वो बीच में छोड़ के निकल लिया। ठीक है, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। तो अपन को बताना ये है कि ए ने कितने दिन बाद छोड़ दिया था, ए ने कब धोखा दे दिया था। ठीक है, अब बी ने अपने भाई ने आखिरी में कितने दिन काम किया अकेले, 23 दिन। तो बी ने 23 दिन में कितना काम किया होगा वो अपन निकाल लेते हैं। वो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 9 3 27 कैरी 2, 9 2 18 और 2 20। बी भाई अपने ने अकेले ने 207 यूनिट काम किया, ये आ रहा 360। 360 में से 207 माइनस कर लो, माइनस जैसे ही करेंगे ये आ जाएगा 351। 153 वर्क ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया था कितने की एफिशिएंसी से, ए और बी की एफिशिएंसी का सम आ रहा 17। 17 की एफिशिएंसी से कितने दिन में, 9 डेज में। मतलब ए और बी ने पहले 9 दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद अपना भाई ए निकल लिया तो बी ने 9 दिन तक और काम किया, नहीं बी ने 23 दिन तक और काम किया 9 की एफिशिएंसी से। ठीक है, तो ए ने अकेले कितने काम किया था, ए ने अकेले काम किया था अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने, देयर इज सफिशियंट फूड फॉर 400 मैन फॉर 31 डेज, आफ्टर 28 डेज 280 मैन लीव्स, फॉर हाउ मैनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मैन। ठीक है, क्वेश्चन अपन को फूड फूड घुमा फिरा कर दिया, मतलब लैंग्वेज टिपिकल कर दी। क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं आपको बता दूँ, 400 मैन 31 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं, 28 दिन तक उनने काम किया, उसके बाद 280 आदमी छोड़ के चले गए, तो बचा हुआ काम वो आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है अगर शुद्ध हिंदी में अपन को समझा जाए तो। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। अब अपन को पहले क्या दिया, 400 आदमी किसी काम को 31 दिन में करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 400 आदमी ने काम कितने दिन तक किया, 28 दिन तक, उसके बाद 280 आदमी छोड़ के चले गए, 280 आदमी छोड़ के चले गए, बचे कितने, 120 आदमी, ये कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है और उसकी क्वेश्चन मैंने लिख दी। अब क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने में अब कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 4 4 3 12 00 प्लस, यहाँ से आ जाएगा 4 8 32 कैरी 3 11। ठीक है, ये आ जाएगा 120 इंटू डी। ठीक है, 124 में से 112 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 112 0। ठीक है, यही बचेगा, इधर है अपने पास 120 इंटू डी, 120 से कितने टाइम कट जाएगा, 10 टाइम्स, डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास 10, मतलब वो काम को 10 दिन में पूरा करेंगे, या अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोलें तो खाना 10 दिन तक और चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने, अ टायर हैज टू पंचर्स, द फर्स्ट पंचर अलोंग वुड हैव मेड टायर फ्लैट इन 9 मिनट एंड द सेकंड पंचर अलोन हैव डन इट 6 मिनट, इफ एयर लीक्स आउट ऑफ एट कॉन्स्टेंट रेट हाउ लॉन्ग इट बोथ पंचर टुगेदर मेक इट फ्लैट। देखिए, क्वेश्चन के लैंग्वेज से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अपन से, अगर मैं इसको सादा लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो क्वेश्चन में अपन को दिया है कि कोई ए है वो किसी काम को 9 मिनट में करता है, कोई बी है वो काम को 6 मिनट में करता है, दोनों मिलकर साथ में काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन की सादा भाषा में समझा दिया। अब पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं अपन, क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन में दिया है कि किसी टायर में 2 पंचर हैं। ठीक है, पहला पंचर उस टायर को फ्लैट कर देता है, मतलब उसकी पूरी हवा निकाल देता है 9 मिनट में, दूसरा पंचर है वो टायर की हवा निकाल देता है 6 मिनट में। अब अपन को बोला है कि दोनों पंचर साथ में हो गए तो वो हवा कितनी देर में निकाल देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अपना,
यहाँ से एलसीएम निकालेंगे अपन, क्या हो जाएगा, 2 3 जै 6 और 3 3 जै 9, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से, इसकी एफिशिएंसी ए की आ जाएगी 2 और बी की आ जाएगी 3, बी की आ जाएगी 3। अब अपन को निकालना क्या, 5 की एफिशिएंसी से ये कितना हो जाएगा, 2 3 जै 6 3 जै 18, 18 काम करना है, 5 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लगेगा, तो ये कट जाएगा कितने, 3:3/5, ठीक है। 5 3 15 बचेगा 3, कौन से ऑप्शन में दिया है, थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट दी थी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने, 12 men and 16 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, ठीक है, एंड 13 men + 24 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, देन द रेशियो ऑफ द डेली वर्क डन बाय मैन एंड बॉय, ठीक है। अपन से इस क्वेश्चन में सिर्फ रेशो पूछा है, तो कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में अपन को दिया है 12 men + 16 boy, एंड लगा हुआ होता है तो अपन प्लस लगाते हैं, ठीक है। ये काम करते हैं किसी काम को कितने, 5 दिन में, और इसके बराबर ही काम हुआ वो क्या, 13 men + 24 boys करते हैं कितने दिन में, 4 दिन में, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, रेशियो निकालना है, तो यहीं से निकल जाएगा। इसको इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 12 5 जै 60 m + 16 5 जै 80 b इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 13 4 जै 52 m और ये 24 boys, इसमें मिस्टेक 24 है, 24 × 4 = 96 b, ठीक है। यहाँ से करते हैं अपन, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 8 m और यहाँ पे आ जाएगा 16 b, ठीक है। 8 से 16 कट जाएगा 2 times और m अपॉन b आ जाएगा अपने पास कितना, 2/1, जो कि रेशो क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें क्या दिया अपन को, 75 men आर एम्प्लॉयड टू ले डाउन अ रेलवे लाइन इन 3 months, मतलब कोई 75 आदमी है वो किसी काम को 3 महीने यानी 90 days में कंप्लीट कर सकते हैं। अब अपन को दिया है कि ड्यू टू सर्टेन इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी आ गई होगी, कंडीशन कुछ भी, उसके कारण उनको वो काम कितने दिन में कंप्लीट करना है, सिर्फ 18 दिन में काम को कंप्लीट करना है। तो अपन से ये पूछा है कि हाउ मैनी मोर मैन शुड एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क इन द डिजायर टाइम, मतलब कितने आदमी और चाहिए अपन को कि 18 दिन में काम कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे अपन मैन के लिए एम लिख देते हैं, काम कितने दिन में करना है, 18 दिन में, वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने अपन को चाहिए, ठीक है। ये 9 से कट जाएगा 2 times 18 और 2 से ये 10 कट जाएगा 5 times, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 573, ठीक है, 375। अपन को टोटल 375 आदमी चाहिए जो 18 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अपने पास 75 तो ऑलरेडी है ना भैया, और अपन से यही पूछा है हाउ मैनी मोर, कितने और चाहिए अपन को, 300 और चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, जिसमें क्या दिया, अ मैन वॉक 1 km in V hours, ठीक है। दिया अपन को मैन की क्या दी है, स्पीड जो ए है अपने पास, वो 1 km भाग सकता है कितनी देर में, बी आवर्स में, किलोमीटर पर आवर की बात हो रही, तो ये तो अपन को दे दी भैया स्पीड। अब अपन से क्या बोला है कि द टाइम टेकन टू वॉक 200 meters, ठीक है। अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ से अगर अपन टाइम का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना दिया है अपने पास, 200 meter, 200 meter, ठीक है, और स्पीड क्या दी है, 1 km, किलोमीटर दिया और ये ऊपर वाला मीटर में, तो किलो का अपन इंटू 1000 और कर देते हैं, ये भी मीटर हो गया, और अपॉन में आवर आएगा कितना, बी आर, ठीक है, क्योंकि आंसर में अपन को आर ही दिख रहा है, तो इसको आवर ही रहने दो, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास 200 meter अपॉन ए इंटू 1000 meter और ये ऊपर आ जाएगा बी आर, ठीक है। अब ये कट जाएगा, काट लेते हैं अपन इसको, 2 0 से ये 2 0 कट गए, ये मीटर से मीटर कट गया, ये से 5 कट गया, तो क्या आंसर क्या आ गया अपने पास, बी अपॉन 5 a r, ठीक है। बी अपॉन 5 a r कौन से ऑप्शन में दिया, दूसरे ऑप्शन में, देखिए ये आंसर जितने लोगों ने दिया वो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना भूल गए, ठीक है। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्या बोलना है, थ्री मैन, और का मतलब क्या होता है कि या तो थ्री मैन काम करेंगे या फिर फोर वुमेन, दोनों अलग अलग काम कर रहा है। तो थ्री मैन को काम करने में कितना दिन लग रहा है, 43 डेज, और फोर वुमेन को काम करने में कितने दिन लग रहा है, 43 डेज। तो यहाँ से अपने पास मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, यहाँ से ये 43 43 कर गया, और एम अपॉन डब्ल्यू क्या आ जाएगा, 4/3, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, अब अगर अपन टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क ये किसी क्वेश्चन में एम की वैल्यू या डब्ल्यू की वैल्यू किसी क्वेश्चन रख लो, 3 एम की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, 4 × 43, ये तो आ गया अपने पास टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को करना किसके द्वारा है, 7 मैन, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 4 + 5 वुमेन, 5 वुमेन की एफिशिएंसी 3 × कितने दिन में करना है वो अपन को निकालना है, तो × d कर दिया, बराबर ये टोटल वर्क है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं अपन 3 × 4 × 43। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, काटा पीटी। तो इससे पहले ये कितना हुआ, 7 × 28 + 5 = 15, ये 5 हो जाएगा 43। ठीक है, × d बराबर, इधर से अपने पास 3 × 4 × 43, ये 43 से 43 कट गया, और d की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ गई 12, मतलब उन्हें 12 डेज लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने, जिसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ एम मैन कैन डू अ वर्क इन 8 डेज, मतलब कोई एम आदमी है वो 8 दिन में कोई काम कर रहा है। ठीक है, ये अपना वर्क आ गया, अब इसी काम को वो करवा रहे हैं किससे, नंबर ऑफ डेज बताना है अपन को, कि एम प्लस एम मैन कर रहा है, मतलब एम प्लस एन मैन कर रहा है, तो इनको कितना टाइम लगेगा, तो डी डेज लगेंगे। अब यहाँ से अगर अपन डी की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा, एम इंटू आर अपॉन एम प्लस एन बराबर डी। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिया है ये, तो ये दिया अपन को थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने, जिसमें क्या बोल रहा है कि ए इज थ्राइस एज गुड एज बी, मतलब ए और बी की अगर एफिशिएंसी की रेशियो की अपन बात करें, ए की बी की एफिशिएंसी में एक मान लेता हूँ, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, ये तो पहली लाइन का मतलब हो गया। अब दिया है अपन को कि एंड टेक्स 60 डेज लेस देन बी, मतलब दोनों के दिनों में डिफरेंस 60 दिन का है, तो अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो अपने पास है तो टाइम का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा, ये तो अपन सबको पता ही है, क्या हो जाएगा, टाइम 1/3। ठीक है, अब दोनों के टाइम का डिफरेंस अपन को दिया है कितना, 60, और यहाँ से अगर टाइम का डिफरेंस देखें 2, मतलब 2 की वैल्यू 60 आ रही है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। ठीक है, मतलब ए को अगर 30 दिन काम लग रहा है और बी को लग रहा है 90 डेज। ठीक है, ये तो इनके टाइम भी आ गए अपने पास। अब अगर 3 की एफिशिएंसी से 30 दिन तक काम कर रहा है तो टोटल काम कितना होगा, 90 काम होगा, या फिर यहाँ से अपन देख लें कि 1 की एफिशिएंसी से 90 दिन तक काम कर रहा है तो टोटल काम कितना होगा, 90 दिन। अब ये टोटल 90 काम को दोनों को साथ में मिलकर करना है, दोनों को साथ में मिलकर करना है, मतलब 4 की एफिशिएंसीज करेंगे, क्योंकि ए की एफिशिएंसी अपन ने निकाली 3 है और बी की 1 है। ठीक है, 4 से करेंगे तो इसको काट देते हैं अपन, ये कट जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, बचेगा कितना, 2/4, और ये 2/4 फर्दर कट जाएगा, 1/2 बचेगा, तो कितना आ गया अपन पास, 22:1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने, जिसमें क्या दिया अपन को, 10 मैन और 18 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, मतलब 10 मैन काम कर सकते हैं कितने दिन में, 15 दिन में, बराबर होगा 18 बॉयज़ काम करें कितने दिन में, 15 दिन में। ठीक है, यहाँ से मैन और बॉय के एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, 15 से 15 कट जाएंगे, और एम अपॉन बी आ जाएगा अपने पास कितना, 18/10, और इसको और काट सकते हैं अपन, 9/5 बचेगा। ठीक है, अब अपन से बोला है क्या कि 15 मैन एंड 33 बॉय कैन डू द ट्वाइस ऑफ द वर्क, ठीक है, वो ट्वाइस ऑफ द वर्क कितने दिन में कर सकते हैं, तो पहले तो अपन ये निकाल लेते हैं, 15 मैन की एफिशिएंसी 9 + 33 × बॉयज़ की एफिशिएंसी 5, अपन को नंबर ऑफ डेज निकालना है ना, × d कर दिया, बराबर वर्क निकालते हैं यहाँ से, वर्क कितना आएगा, 10 × मैन की एफिशिएंसी 9 × 15,
और इसका दोगुना करना है तो 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 दूनी 30 और 9 3 27, 27 और 1 0 यहाँ पे थी, 1 0 यहाँ, 2700 आ गया अपने पास टोटल वर्क। ठीक है, अब यहाँ से अपन अगर निकालें तो इनका मल्टीप्लाई 5 3 15 और 5 3 15 और 1 16, 165 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 15 9 135, 135 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं अपन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 550, 6 3 9 1 10 की 0, 113, 300 यहाँ से आ गया इंटू डी। ठीक है, अब इसको काट देते हैं अपन, 2 0 से 2 0 कट गए और ये कट गया, ये डी है, 3 9 27, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 9, मतलब उनको 9 डेज लगेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने। इसमें क्या बोल रहा है कि ए कैन डू 7 बाई 8 वर्क इन 28 डेज। ठीक है, यहाँ इसका सॉल्व करें अपन तो ये कट जाएगा 7 4 जै 28 और यहाँ से आ जाएगा एक वर्क करने में उसको, मतलब कंप्लीट पूरा वर्क करने में उसको 32 डेज लगेंगे। ठीक है, ए को पूरा काम करने में। अब बी की बात करें, क्वेश्चन में क्या दिया अपन को, बी कैन डू 5 बाई 6 ऑफ वर्क इन द 20 डेज, तो यहाँ से फिर काट दो इसको, 5 चौको 20 हो जाएगा और ये 6 चौको 24। ठीक है, मतलब बी को 24 दिन लगेंगे। अब क्वेश्चन अपने पास ये बचा कि ए को किसी काम करने में 32 दिन लग रहे हैं और बी को किसी काम करने में 24 दिन लग रहा है। ठीक है, अब अपन से बोला क्या है कि द नंबर ऑफ डेज विल टेक इफ कंप्लीट द वर्क टुगेदर, यदि दोनों साथ में काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ से एलसीएम निकालते हैं, ये हो जाएगा 8 चौको 32 और 8 3 24। ठीक है, 8 चौको 32 यहाँ पर 3 बचेगा, ये 8 3 24 बचेगा, 8 3 24 बचेगा कितना, 4। ठीक है, ये आ गया अपने एफिशिएंसी। अब अपन जो काम कितना आएगा टोटल, 4 3 12 8 96 काम है और 4 3 7 की एफिशिएंसीज करना है, काट दो इसको, ये आ जाएगा 7 1 7 बचा 2, 7 3 21 बचेगा यहाँ पे कितना, 5, 5 7 से कटेगा यानी 13:5/7 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने। इसमें क्या दिया है अपन को, ए कैन डू एज मच एज द वर्क बी एंड सी टुगेदर कैन डू। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका मतलब मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा जब क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी इसकी है। उससे पहले अपन इसको समझ लेते हैं कि ए एंड बी कैन टुगेदर डू पीस ऑफ वर्क इन 9 आवर्स एंड 36 मिनट। ठीक है, पहले 9 आवर्स तो एज इट इज रन, तो 36 मिनट को अपन आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 36 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 6 6 जै 36 और 6 1 जै 6। ठीक है, यहाँ से जाएगा अपने पास 6 बाय 10 और उसको और काट लो दिया जाएगा 3 बाय 10। अब इसको 9 आवर में जोड़ना है, 9 बाय 3 बाय, ये 5 बचेगा ना, 2 तो कट गया, 3 बाय 5 और ये हो जाएगा 9 5 जै 45 प्लस 3 48 बाय 5। ठीक है, तो ए को काम कर, ए प्लस बी को, ए को नहीं, ए प्लस बी, ए और बी दोनों साथ में काम कर रहा है ना, तो ए प्लस बी को काम करने में कितना टाइम लग रहा है, 48/5 आवर्स। ठीक है, और अपन को एक और चीज़ दी है कि सी अकेला उसी काम को 48 आवर में कर सकता है, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। अब एलसीएम को अपन इससे डिवाइड करेंगे, 48 से 48 कट गया, ये 5 ऊपर आ गया, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 5, इसकी एफिशिएंसी आ गई 1। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 प्लस 6 6 आ जाएगी। अब इस लाइन को समझते हैं अपन, ये लाइन में क्या दिया है, ए कैन डू एज मच एच बी एंड सी कैन टुगेदर डू, मतलब बी और सी की एफिशिएंसी जितनी होती है ए की एफिशिएंसी है, मतलब इस 6 को मैं अगर 2 हिस्सों में बांट दूँ तो कितने कितना आएगा, 3 और 3 बराबर। ठीक है, तो बी और सी की मिलके 3 होगी और ए अकेले की 3 होगी। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। अब अपन को पता है सी की एफिशिएंसी 1 है, ये यहाँ से पता है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, बी की एफिशिएंसी यहाँ से आ गई 2। ठीक है, अब अपने पास बी की एफिशिएंसी आ गई 2, टोटल काम है 48। अपन से यही पूछा है कि टाइम बी नीड्स टू डू वर्क अलोन, बी को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा, 24 आवर, 24 आवर,
कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी बात थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने, इसमें दिया है अपन को थ्री मैन एंड सेवन वुमेन कैन डू अ जॉब इन 5 डेज, मतलब 3M + 7 वुमेन, जहाँ एंड आता है वहाँ पर प्लस का साइन यूज़ करते हैं, कैन डू अ 5 डेज, ठीक है। उसके अलावा दिया व्हाइल 4 मैन + 6 वुमेन 4 दिन में कर सकते हैं। अब अपन को बताना है द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रुप 10 वुमेन सारा। तो इससे पहले अपन मैन और वुमेन की रेशियो निकाल लेते हैं एफिशिएंसी का। तो ऐसा आ जाएगा 3 5 = 15M + 7 5 = 35 वुमेन बराबर, यहाँ से आ जाएगा 4 4 = 16M + 6 4 = 24 वुमेन, और यहाँ से अपने पास मैन बचेगा यहाँ पे 1, या फिर एम बोल लूँ मैं, एक ही बचेगा यहाँ पे, और यहाँ से बचेगा वुमेन कितनी 6 और 5 11 11 वुमेन, ठीक है। यहाँ से डब्ल्यू अपॉन एम का जो रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा 1/11, ठीक है। अब अपन को क्वेश्चन में क्या दिया है कि 10 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ रही है यहाँ पे 1 की एफिशिएंसी के साथ कितने दिन लगाएंगे, तो डी डेज लगाएंगे बराबर। काम कितना है, काम यहाँ से अपन निकाल लेते हैं 3 × m की जगह रखा अपन ने 11 + 7, डब्ल्यू की जगह रखा 1 × 5, ठीक है। इसको सॉल्व करते पहले 3 11 33 + 7 40 × 5 4 5 20 200, ठीक है। और ये 10 है तो ये 0 से ये 0 कट गया, डी कितना आ गया अपने पास 20, मतलब उनको 20 डेज लगेंगे, ठीक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।